हाँ जी नमस्कार। अब हमने स्टार्ट कर रखी है अपनी सीरीज की स्टेट ऑफ मैटर, जिसके अंदर हमने पढ़ रहे हैं गैसेस और लिक्विड को पढ़ना है। इस जो सीरीज के अंदर हम गैसेस को पढ़ते आ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे गैसेस का ही जो अगला टॉपिक रहेगा अपना, कौन सा रहेगा? डेल्टन लॉ। और अगला हम एक ग्राम लॉ भी पढ़ेंगे। ग्राम लॉ जो है डिफ्यूजन के लिए होता है। तो आज के अपने पास दो टॉपिक हैं। पहला तो अपने पास डेल्टन लॉ और दूसरा है अपने पास ग्राहम लॉ। ओके, देखिए जो डेल्टन लॉ होता है, इसको पूरा नाम अगर बोला जाए तो डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये किसके लिए? पार्शियल प्रेशर के लिए, पार्शियल प्रेशर। ठीक है। और ग्राम ला जो है ये डिफ्यूजन के लिए यूज किया जाता है, डिफ्यूजन के लिए। ओके, वन बाय वन देखेंगे और जो है जानेंगे कि कैसे यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं अपने पास। उन क्वेश्चंस को भी हमें जो है यहां पर ट्राई आउट करना है। देखिए जो अपना डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ये आपके क्लास प्लस टू के अंदर भी आता है। जब आप पढ़ते हो सोल्यूशन, वहां पर भी इसकी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहां पर भी जो है हमें डेल्टन लॉ को अच्छे से पढ़ना होगा कि कहता क्या है क्या नहीं कहता। और ग्राम लॉ डिफ्यूजन, जैसे डिफ्यूजन क्या होता है और डेंसिटी के ऊपर क्या डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास जो है, मोलर मास जो है गैस का कैसे डिपेंड करता है, वो सारी चीज आज हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं अपना डेल्टन लॉ से। जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो स्टार्टिंग से जाके देखिए, उसको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। पीछे हमने ड्राइव कर लिया था आइडियल गैस इक्वेशन, और वो थी अपनी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, वेयर पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। कहां से आए थे अपने पास? चार ला थे, बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, एवोगैड्रो ला और गे लुकस ला। वहां से हमने इस इक्वेशन को ड्राइव किया, आइडियल गैस इक्वेशन को। ठीक है, ये सारी बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ना है डेल्टन लॉ को। डेल्टन लॉ क्या कहते हैं? डेल्टन ने कहा कि अपने पास दो चैम्बर हैं, दो चैम्बर हैं अपने पास। मान लेते हैं कि एक जो है हीलियम का है, ओके, और एक जो है नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का है। ठीक है, इसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई है मेरी, और दूसरे के अंदर मान लेते हैं यहां पर अपने पास नाइट्रोजन गैस है। ओके, हीलियम और नाइट्रोजन गैस है। तो जब इनको एक अलग वेसल के अंदर दोनों गैसेस को इकट्ठा मैं मिला देता हूं, अलग वेसल के अंदर रख दिया। ओके, अलग वेसल के अंदर रखने से ये हीलियम आ गया इधर बीच से। ओके, इंटरमिक्सिंग हो गई इनकी। अब यहां पर दोनों मेरे पास हीलियम भी है प्लस नाइट्रोजन भी है। ओके, ये जो डेल्टन है लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, नाम क्या कह रहा है? प्रेशर। तो मतलब हमें यहां पर प्रेशर की बात करनी है कि प्रेशर जो है कैसे डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड नहीं करेगा। ये देखिए कैसे होगा। हीलियम जो है, गैस जो है एग्जर्ट करती है प्रेशर टुवर्ड्स वॉल्स, वॉल्स के ऊपर अपना प्रेशर लगाएगी, हीलियम भी लगाएगा, नाइट्रोजन भी लगाएगा। ओके, जब इन दोनों को इकट्ठा कर दिया तब भी वहां पर कुछ ना कुछ प्रेशर बनेगा जी। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, है ना, बन गया। तो जो डेल्टन है इसने ये बताया कि जो इसका प्रेशर है प्लस इसका प्रेशर है, जो यहां पर टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर, ओके, और यहां पर हीलियम को मैं पी ए लिख दूं, इसको PB, इसका प्रेशर पी ए है, इसका प्रेशर पी बी है। तो जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर, इन दोनों के प्रेशर को इक्वल कर देते हैं तो वो सॉरी ऐड कर देते हैं तो इक्वल हो जाएगा अपने टोटल प्रेशर के। मतलब टोटल प्रेशर को अगर मैं P से लिखता हूं तो P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पी ए पी बी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। कंडीशन क्या है? कंडीशन डेल्टन लॉ के लिए कंडीशंस रखी। ठीक है, तो यहां पर जो कंडीशंस थी वो क्या है?
वो यहां पर आपको दो कंडीशन ध्यान में रखनी है, और वो कौन कौन सी है वो देखिए, वो देखिए क्या रहेंगे अपने पास। एक तो टेम्परेचर जो है कॉन्स्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए जब हम इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि PV is equal to nRT, वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखते हैं, अगर n is the constant है, r भी constant है, तो p directly proportional to t, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर घटाया तो प्रेशर घट जाएगा। ठीक, पहली कंडीशन ये है कि टेम्परेचर यहां पर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन देखिए, गैसेस मस्ट बी नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, भी टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, और गैस जो है जो हमने इंटरमिक्स की है वो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हीलियम है और नाइट्रोजन है, ये क्या इंटरमिक्स जो है, इंटरमिक्स किया इनको तो ये रिएक्ट नहीं करती, इनके मॉलिक्यूल अलग अलग पड़े रहते हैं। इसकी बजाय अगर हम गैस ले लेते हैं, किसकी, HCl की और अमोनिया की, तो ये बन जाता है NH4Cl, मतलब कि एक मोल HCl गैस का, एक मोल अमोनिया गैस का, यहां पर अमोनियम क्लोराइड बना देता है एक मोल, मतलब हमने मिक्स कितने किए, दो मोल, एक मोल इसका एक मोल इसका, टोटल मिक्स किए दो मोल, आए बाहर कितने, एक मोल। ये तो दिक्कत होगी, मतलब n चेंज हो गया, ये तो कॉन्स्टेंट रखना है, एक कॉन्स्टेंट रखना है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो गैस जो है वो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, इसके लिए डेल्टन लॉ एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ओके, जैसे अगर हम ऑक्सीजन को रिएक्ट कर देते हैं हाइड्रोजन के साथ, ये वाटर बना लेगी तो ये भी रिएक्टिव होगी, यहां पर भी डेल्टन लॉ फेल कर जाएगा, इसके लिए लागू नहीं होगा। ओके, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, डेल्टन लॉ कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए और गैस मस्ट बी नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद हम उनके पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देते हैं तो अपने पास टोटल प्रेशर निकल के आ जाएगा जो गैस लगा रही है। ओके, अब थोड़ा मैथमेटिकली घुमा फिरा के इन चीजों को देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन बन रहा होगा, और कैसे अगर नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो मोल फ्रैक्शन के हिसाब से हम क्या उसका टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं या उसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो कैसे, चलिए मैं इसी चीज को मैथमेटिकली अगर लिखना चाहूं, मैंने क्या किया, दो गैस ली, आप जो है तीन गैस भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, दस गैस भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए और वहां पर जो है नॉन रिएक्टिव गैसेस होनी चाहिए। अगर रिएक्ट हो गया तो वहां पर ला नहीं काबू होगा, ठीक है, लागू वहां नहीं होगा। तो टोटल प्रेशर PT लिख देता हूं इक्वल टू PA प्लस PB, ठीक है, टोटल जो है ए गैस और बी गैस के दोनों के पार्शियल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अगर मैं इस कंडीशन को लेके चलता हूं, एन हमेशा एक लेके चलेंगे तो ये तो वन हो जाएगा, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो यहां पर वी को उधर ले जाऊं, वॉल्यूम भी क्या है, टोटल वॉल्यूम तो हमेशा सेम रहेगा, एक ही वेसल के अंदर हमने लगाने हैं, वॉल्यूम भी चेंज यहां पर नहीं करना। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, अगर आप लोग आज्ञा दें तो RT बाई वी ऐसा लिख सकते हैं ना। चलो N की जरूरत पड़ी तो यहां लिख देते हैं N, ठीक है, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, ये हमें आइडियल गैस के अंदर हम पढ़ के आए हैं, जब तो हमने अब पीछे एवोगाड्रो लॉ पढ़ा था फिर आइडियल गैस ड्राइव किया था, जिसने नहीं देखा जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि लोग सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्या घट जाता है, ठीक है। हाँ देखो आगे, तो जब मैं ए गैस के लिए निकाल रहा हूं तो PA मतलब प्रेशर ऑफ ए गैस, पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ए गैस की, R कॉन्स्टेंट, T कॉन्स्टेंट, V कॉन्स्टेंट, ठीक है। PB के लिए लिख दो, जो दूसरी गैस है उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स उसके NB से रिप्रेजेंट कर दिए, R कॉन्स्टेंट, T कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, सेम रहेगा ओवरऑल वॉल्यूम। ओके,
इसने कहा कि टोटल इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, तो इन दोनों को ऐड कर देता हूं, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, इनके डायरेक्ट वैल्यू अगर मैं ऐड कर देता हूं ये आ जाएगा एन ए आर टी बाई वी प्लस एन बी आर टी बाई वी। ओके, किसी कोई परेशानी यहां तक? मेरे ख्याल से यहां परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आर टी बाई वी दोनों के अंदर कॉमन है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एन ए प्लस एन बी, तो क्या कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी? होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैथमेटिकली ठीक है। मैंने क्या किया, आर टी बाई वी को एक कॉमन ले लिया और बाहर लगा दिया, अंदर बच गया एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी, अगर दो गैस हैं, अगर आपके पास दो गैस हैं, ठीक है, मान लेते हैं कंचे आपके पास गोलियां, दो ब्लैक, तीन ब्लैक हैं, दो आपके पास ब्लू हैं, दो आपके पास ब्लू हैं। अगर मैं ये बोलूं कि तीन तो ब्लैक हैं, जो तीन ब्लैक हैं, ठीक है, इनको तीन और दो ब्लू, टोटल कितना हो गया, फाइव। फाइव क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। यहां हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम एन से लिखते हैं। तो लिख सकता हूं इसको पी टी टोटल इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल आर टी बाई वी, आर टी बाई वी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। अब मैं यहां पर थोड़ा सा घुमा फिरा के चलता हूं इस बात को, सिर्फ करना क्या है, देखिए ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास। ओके, अब क्या करना है, जो पी ए इक्वल टू एन ए आर टी बाई वी है, पी ए इक्वल टू एन ए आर टी बाई वी, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, इस इक्वेशन से जो टोटल वाली है पी टी, क्यों, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है जो पार्शियल प्रेशर है और उसका टोटल, जो है टोटल प्रेशर है, उनके बीच में रिलेशन निकालना है, तो इसलिए मैंने उसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड कर दिया तो पी टी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। ओके, तो आर टी बाई वी कैंसल आउट हो गए, क्या बचा, ये बचा पी ए बाई पी टी इक्वल टू एन ए बाई एन। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्या बन गया, मोल फ्रैक्शन। याद करो पहला चैप्टर, वहां आता है बस मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एन ए बाई एन इक्वल टू एक्स ए से हम इसे डिनोट कर देते हैं, एक्स ए से डिनोट कर देते हैं, इज द मोल फ्रैक्शन है किसका, ए का। तो मैं इसको मोल फ्रैक्शन लिख सकता हूं, लिख देंगे जी, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स ए। ओके, तो पार्शियल प्रेशर ये, टोटल प्रेशर ये, मोल फ्रैक्शन। ओके, तो पी ए इक्वल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इनटू पी टी, मतलब टोटल। ओके, तो पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि जो टोटल प्रेशर है उसके अंदर नंबर ऑफ, या फिर बोलो कि मोल फ्रैक्शन कितनी है किसी गैस की, उससे वहां से हम उसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, उससे हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, यही डेल्टन ने बताया था, यही डेल्टन ला है। ओके, क्या है ये, यही डेल्टन ला है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। क्या किया हमने डायरेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन का यूज किया, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और फिर क्या किया, प्रेशर के टर्म में बात करनी है, क्या करना है, प्रेशर के टर्म में, मतलब पार्शियल प्रेशर के टर्म में बात करनी है, तो P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी हो गया, वॉल्यूम सेम रहेगा, वैसे हमने चेंज नहीं किया था, उसी के अंदर डाला था, N इज द नंबर ऑफ मोल है, टोटल नंबर ऑफ मोल, N इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, R कांस्टेंट है, P कांस्टेंट रखना है, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन दी थी किसने, डेल्टन ने। दूसरी कंडीशन क्या थी अपनी, दूसरी कंडीशन थी गैसेस जो है नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। आफ्टर दैट क्या किया हमने, पी ए की टर्म में दो गैस को मिक्स करवाया, अगर तीन करवाते तो लिख देते पी सी इक्वल टू एन सी आर टी बाई वी। ओके, एनसीआरटी पी ए इक्वल टू एन ए आर टी बाई वी, हमने ऐसे दोनों को जो है ऐड कर दिया, तो टोटल प्रेशर के इक्वल होना चाहिए जी, टोटल प्रेशर के इक्वल हमने कर दिया जी, वहां से अपने पास ये इक्वेशन निकल गए पी टोटल इक्वल टू एन आर टी बाई वी। फिर यहां से मैंने
जो पार्शियल वाली इक्वेशन है उसको डिवाइड कर दिया टोटल वाली इक्वेशन से, तो यहां से मेरे पास निकल के आ गया रिलेशन बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड द टोटल प्रेशर ऑफ द वेसल या फिर टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस जितनी भी गैस हमने ऐड की है। ये था डेल्टा लॉ। ओके आगे चलें, आगे हम बात कर लेते हैं डिफ्यूजन की। दूसरा लॉ आता है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, पहले तो आप समझिए डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन देखिए, अगर आप डेली लाइफ के अंदर डिफ्यूजन की बात करते हैं, घर पर सुबह सुबह क्या पराठे बनाते हैं, जो आलू के पराठे की स्मेल जाती है ना, अगर आप ऊपर छत पे बैठे हुए और नीचे से वो होती हुई ऊपर की तरफ जाती है, तब तुरंत बता देते हो कि हाँ पराठे बन रहे हैं। वो क्या है, वो डिफ्यूजन हुआ किसका, उस स्मेल का जो रसोई के अंदर है और आपके छत तक पहुंची, वो क्या है डिफ्यूजन। क्या हमने वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जी नहीं, हमने वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। ओके, तो डिफ्यूजन हो गया कि जो गैसेस जो है फ्लो करती हैं फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो डिफ्यूजन हो गया फ्लो ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। यहां पर हमें क्या करना है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना। वो क्या होता है, डिफ्यूजन हो गया। अगरबत्ती, वो भी क्या होता है, डिफ्यूजन का एग्जांपल है। आप क्या करते हो, सुबह सुबह मंदिर के अंदर अगरबत्ती या धूप लगाते हो, तो क्या होगा, उस धूप की स्मेल आपके सारे घर के अंदर फैल जाती है। वो भी किसकी वजह से, डिफ्यूजन। क्यों, जहां अगरबत्ती जल रही है वहां पर क्या है, उस गैस का, उस स्मेल का हायर कॉन्सेंट्रेशन है और पूरे रूम के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या हुआ, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है और वहां पर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया कि उसे धक्के से नहीं करवाया, वो अपने आप फैल रही है। क्या वो अपने आप फैल रही है, उसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, उसे डिफ्यूजन बोलेंगे। चलिए, डिफ्यूजन जो है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये जो है आपका मैथमेटिकली चीज आ जाएगी जो हमारे काम की रहती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स यहीं से होते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है भाई, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रूट ऑफ डेंसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी, डी इज द डेंसिटी, कि किसी गैस की कितनी ज्यादा डेंसिटी है वो उतनी ही आराम से फ्लो करेगी। अब इसका एग्जाम्पल बताया आपको कि देखिए, एक तो गैस है, एक लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है। ओके, कमरे के अंदर आपने क्या किया, एक तो अगरबत्ती जलाई और उसी टाइम पे आपने कोने के अंदर जो कैंपर है उसका नल खोल दिया। क्या होगा, गैस की जो स्मेल है वो पूरे रूम के अंदर बहुत जल्दी फैल जाएगी, पानी जो है हालांकि धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो डेंसिटी है वो क्या है, मेजर फैक्टर है यहां पर किसके लिए, डिफ्यूजन के लिए। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा, लिक्विड की ज्यादा, तो लिक्विड फ्लो किया कम, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, आर से लिख देते हैं हम इसको, स्मॉल आर से, ठीक है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेंसिटी की, ठीक है, इतना है समझ में। अब देखिए क्या होगा, यहां से आर जो है इक्वल करेंगे तो कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट आ जाएगा, रूट ऑफ डी मतलब डेंसिटी। क्या मतलब डेंसिटी, हाँ देखिए, अब क्या किया मैंने, दो गैसेज ले ली, उनका जो है डेंसिटी पता करना है और मेरे को ये पता है कि उनका रेट क्या है, तो हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू √D2/D1, लिख सकते हैं ऐसे, इसको मैंने R1 = K/√D1, R2 = K/√D2, एक ही बात है, ठीक है, इनको क्या किया फिर, डिवाइड कर दिया, K से K कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा मेरे पास,
ये रिलेशन निकल के आ जाएगा आर वन बाय आर टू इक्वल टू रूट ऑफ डी टू बाय डी वन इज इक्वल टू रूट ऑफ डी टू बाय डी वन। ओके समझ में आया, पहला रिलेशन मार्क कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, पहला रिलेशन हो गया, ये हो गया। अब दूसरी बात यह है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ मोलर मास। मतलब किसी गैस का जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतनी ही वो कम डिफ्यूज करेगी। एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, एक तरफ है हाइड्रोजन, एक रूम के अंदर हाइड्रोजन और एक रूम के अंदर जो ऑक्सीजन मान लेते हैं, अगर हम उन्हें एक साथ खोलते हैं, मतलब किसी वेसल के अंदर बंद है, अगर उन्हें एक साथ रूम के अंदर खोलते हैं तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस है ना वो पूरे रूम के अंदर बहुत जल्दी फैल जाएगी, जबकि ऑक्सीजन को फैलने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और वहीं से जो अपने पास रिलेशन निकल के आता है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ मोलर मासेस की। तो सेम चीज मैं यहां से ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं, सेम चीज मैं यहां से ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू रूट ऑफ एम टू बाय एम वन। ये भी मेरा रिलेशन उतना ही सच है जितना सच डेंसिटी के लिए है, तो डेंसिटी के लिए मेरा यही रहता है और मोलर मासेस के लिए भी यही रहता है। ठीक है, आपने जब मोल कंसेप्ट के अंदर पढ़ा होगा, मोल कंसेप्ट के अंदर क्या पढ़ा कि जो डेंसिटी होती है उसका ट्वाइस इक्वल होता है मोलर मास के। मतलब कि अगर डी वन है इसका ट्वाइस कर दें तो मोलर मास आ जाएगा एम वन की। तो मैं यहां से इन दोनों से एक चीज और कंक्लूड कर देता हूं, आप इसे भी मार्क करके रखिए। ठीक है, दो रिलेशन हो गए, तीसरा रिलेशन देखिए क्या क्या मैंने डेंसिटी को किया डबल डबल इक्वल टू रूट ऑफ एम टू बाय एम वन, एक रिलेशन अपने पास ये निकल गया। ओके, अभी टाइम का रिलेशन भी निकालना है कि टाइम के साथ कैसे इफेक्ट होगा, टाइम के साथ कैसे इफेक्ट होगा। ओके, तो अपने पास अभी क्या है, तीन रिलेशन निकल गया है, क्या रेट का डेंसिटी के साथ, रेट का मोलर मास के साथ और डेंसिटी का मोलर मास के साथ, डेंसिटी का मोलर मास के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, किसके साथ निकाले अभी, अभी टाइम के साथ, कि टाइम के ऊपर कैसे जो है इंपैक्ट होगा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसका। आप मुझे बताइए रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज्ड गैस वी कितने टाइम के अंदर करिए, उसे हम बोलते हैं रेट, है ना, कि कोई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितने टाइम के अंदर डिफ्यूज हो रही है उसे हम बोलेंगे कि वो रेट ऑफ डिफ्यूजन है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज गैस अपॉन में टी। वॉल्यूम तो सभी का बराबर रखना है हमें, वॉल्यूम बराबर रखना है तो मतलब टाइम चेंज होगा। तो यहां से मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो यहां से भी अपने पास एक चीज निकल के आई और वो क्या है, वो ये है आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन, टी टू अपॉन टी वन, एक रिलेशन ये निकल गया। तो टोटल मेरे पास अभी चार रिलेशन निकल गया है, कौन कौन सा, रेट का डेंसिटी के साथ, रेट का मोलर मास के साथ, मोलर मास का डेंसिटी के साथ और रेट का टाइम के साथ, ये अपने पास रिलेशन निकल गए हैं। अगर मैं इन्हें एक लाइन के अंदर लिखना चाहूं, एक लाइन के अंदर लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, इन सभी को जो है आप कंक्लूड कर लीजिए कैसे करेंगे कि T2 by T1, T2 by T1 is equal to root of, देखिए सभी R1 by R2, R1 by R2, R1 by R2, सभी इसके इक्वल है। ठीक है, तो root of M2 by M1 is equal to, यहां पर हम लिख सकते हैं डी वन बाई डी टू, लेकिन हमें पता है कि मोलर मास जो है डबल होता है, तो यहां पर अगर मैं टू से मल्टीप्लाई भी करता हूं तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टू डी टू ये डेंसिटी के लिए है और टू डी वन ये है आर टू बाई आर वन के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल
मेरे पास ये रिलेशन निकल के आता है, मेरे पास ये रिलेशन निकल के आता है क्या, R1 by R2 इज इक्वल टू होगा T2 by T1, टाइम टेकन इज इक्वल टू रूट ऑफ मोलर मास ऑफ सेकंड अपॉन मोलर मास ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रूट ऑफ डबल ऑफ डेंसिटी ऑफ सेकंड अपॉन में टू डबल ऑफ डेंसिटी ऑफ फर्स्ट। चलिए इसके ऊपर आप जो है क्वेश्चन कीजिए कि आपको कोई अननोन गैस दे रखी है, ठीक है, ये यही फॉर्मूले लगेंगे, आपको एक अननोन गैस दे रखी है, कोई भी अननोन गैस अगर ये आपने निकाल दिया तो समझ लीजिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो ग्राम लॉ है अपना डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए। ओके, तो यहां पर आपको दे रखे कि एक अननोन गैस है डिफ्यूज करती है फोर टाइम्स ऑफ जो है रेट दे दिया, मतलब फोर टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का चार गुना वो क्या करती है, डिफ्यूज करती है, मतलब आर अननोन गैस आर ऑक्सीजन गैस इक्वल टू फोर टाइम डिफ्यूज करेगी। ओके, ये बात इन्होंने दे रखी है, ये है गिवन, हमें ये बताने कि वो गैस कौन सी है। तो ध्यान दीजिए कहां चले, ऑक्सीजन का हमें क्या पता, डेंसिटी नहीं पता, टाइम नहीं पता, किस चीज का पता है, मोलर मास का पता है, किसका पता है भाई, मोलर मास का पता है, और R1 by R2 का पता है वो क्या है, 4। तो मैं एक तो यहां से ये चीज उठा लेता हूं और एक ये मोलर मास वाली चीज यहां से उठा लेता हूं, तो क्या हुआ, R1 by R2 इक्वल टू रूट ऑफ M2 by M1, ये क्या है, ये तो फोर है मेरा, इक्वल टू फोर। M2 कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन का हमें पता है मोलर मास क्या होता है, 32, क्या होता है भाई, 32 होता है। ओके, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे अभी तो आपके पास निकल के आएगा मोलर मास इज इक्वल टू 2, जो फर्स्ट गैस है, ये आंसर है, कैलकुलेट आप खुद से करना इसका। ओके, तो मोलर मास जो है आपके पास निकल के आ जाएगा 2, और 2 मोलर मास किसका होता है, H2 का, अगर आपके पास गैस है तो हो जाएगा मोलर मास। तो हम यहां से गैस बता सकते हैं कौन सी थी कौन सी नहीं थी, ठीक है। फर्दर अदर टाइप के क्वेश्चंस हम जो है आगे करते रहेंगे, अपने जो है ये चैप्टर एक बार कंप्लीट कर लें, आफ्टर दैट हम सारे जितने भी हमने कंसेप्ट किए उनका रिविजन लेंगे और वहां पर जो अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, बने रहिएगा हमारे साथ, जय हिंद।